अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू FEF लिमिटेड। आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लाए हैं वो डॉलेंस का 2-in-1 ओवन है। इस ओवन के बारे में हम आज आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि ये कौन कौन से फंक्शंस करता है, इसकी लीटर कैपेसिटी कितनी है, इसकी वारंटी क्या है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सबसे पहले ये जो ओवन है ये डॉलन्स का बेकिंग और कन्वेक्शन वाला ओवन है, स्टील बॉडी में है, ये ग्लास डोर है जैसे कि आपको इस वीडियो में ये नज़र आ रहा है। हेल्थ जोन ये आपको बाहर इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। हेल्थ जोन मीन कि ये जो ओवन है ये एक तो इंसेक्ट वगैरह इस ओवन के आसपास नहीं आते जब ये ओवन चलता है, और दूसरा इसके ना इंटरनल खाने में इंसेक्ट्स वगैरह मूव कर सकते हैं। चलें हम आपको ओवन के अंदर की एसेसरीज के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या कुछ है और ये कितने बिल्ट इन रेसिपीज के अंदर है। सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 64 बिल्ट इन रेसिपीज में है। आप इसमें 64 किस्म के खाने बेक और ग्रिल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज आती हैं ये हम आपको बताते हैं। ये इसका वारंटी कार्ड है जो मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतालिक लें तो अपने वारंटी कार्ड को लाजमी देखा करें और इसके बारे में पूछा करें। ये इसकी बुक है, माइक्रोवेव मैनुअल बुक। ये इस बुक के ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है DW115ZHZP। आपने अगर ये ओवन परचेज करना हो तो आप इसको इस मॉडल से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका मॉडल है 115ZHZP। इसके अंदर ये इन्होंने पेकिंग के लिए ग्रिलिंग के लिए स्टैंड दिया हुआ है जो आपको इस ओवन के अंदर मिलेगा। आगे चलते हैं, इसके अंदर ये डिस्क दी हुई है। ये डॉलेंस की ओरिजिनल वेबसाइट की रेसिपी बुक है जो शेफ़ महबूब एंड शेफ़ गुलजार, मेड बाय शेफ़ महबूब एंड शेफ़ गुलजार। अगर आपको इस मॉडल और इस ओवन के बारे में ना पता लगे तो आप इस बुक इस सीडी को भी इजीली वॉच कर सकते हैं। ये इसके अंदर इन्होंने फ्राई पैन बेकिंग के लिए ये फ्राई पैन दिया हुआ है जो अक्सर ओवन में नहीं होता, लेकिन इस ओवन के अंदर इन्होंने ये दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके इंटरनल बॉडी की तरफ। जो इसकी इंटरनल बॉडी है ये टोटल स्टील बॉडी है। ये जो जैसे आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है ये स्टील बॉडी के अंदर है। इसके अंदर आप किसी भी किस्म का बर्तन इजीली रख सकते हैं। ये इसकी ट्रे है, आप इसको एडजस्ट करें इजीली ये एडजस्ट हो जाती है। इसके अंदर जो फंक्शंस हैं इसके बटन्स पे आते हैं तो ये सबसे ऊपर माइक्रोवेव का बटन है, नीचे ग्रिल एंड कॉम्बो का है, ग्रिल एंड कॉम्बो, उसके बाद कन्वेक्शन, फिर क्लोरियर मीटर, फिर की बॉम, फिर है स्टॉप एंड क्लियर, और नीचे से ये जो हैं ये इसकी स्पीड को अप एंड डाउन करने के लिए है, और नीचे ये जो है ये कंफर्म स्टार्ट का बटन है। चलें हम आपको अब ये ओवन चला के दिखाते हैं कि ये ओवन कैसे चलता है। सबसे पहले हम ओवन को ऑन कर लेते हैं। ये ऑन होने के बाद उसका ये टच पैनल स्टार्ट हो चुका है। अगर तो आप बिल्कुल जस्ट सिंपल फंक्शन करना चाहते हैं तो जस्ट आप इसको स्टार्ट को जस्ट वन टाइम पुश करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर 30 सेकेंड्स। अगर आप इसका टाइम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको जितनी दफ़ा पुश करेंगे उतनी दफ़ा 30 सेकेंड्स टाइम बढ़ जाएगा। जैसे कि ये मैंने पुश किया फिर 30 सेकेंड्स बढ़ गया। जितनी दफ़ा भी आप इसको पुश करेंगे उतनी दफ़ा 30 सेकेंड्स स्टार्ट से आगे इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये इधर इसको स्टॉप करना है
तो आप इसको यहाँ से इस बटन से स्टॉप कर सकते हैं। ये जो बटन है ग्रिल एंड कॉम्बो, ये ग्रिलिंग के लिए है। ये बटन इसलिए दिया गया है, ये फुल ऑप्शनल ओवन है डॉलेंस का। इसको आप जस्ट एक दफ़ा दबाएंगे, आपने जो भी ग्रिलिंग के लिए चीज़ अंदर रखी होगी वो इसमें ऑटोमेटिकली विद अपने टाइम के साथ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये कन्वेक्शन है, ये जो कन्वेक्शन का बटन है ये बेकिंग के लिए है। कन्वेक्शन वाइड फंक्शन है जो सिर्फ बेकिंग में यूज़ होता है। आम ओवन है वो भी सब कुछ करते हैं लेकिन उसमें टाइमिंग देनी पड़ती है, आपको खुद देखना पड़ता है, लेकिन इसमें कन्वेक्शन का बटन है। कैलोरी मीटर, ये जो मीटर है ये आपको बेकिंग और ग्रिलिंग में यूज़ करना पड़ता है। अगर तो आपको बेकिंग और ग्रिलिंग आती है तो आप इस कैलोरी मीटर को समझ सकते हैं, कीप वार्म एंड डीडोराइजिंग, कि इसको गर्म रखने के लिए उस जो भी आप बेक कर रहे हैं या ग्रिल कर रहे हैं ये उसके लिए है। अदरवाइज़ आप इन बटन्स को नहीं भी छेड़ेंगे तो आप सिर्फ अगर ग्रिल करना चाहते हैं तो इस बटन का टाइम दें, अगर आप कन्वेक्शन बेकिंग करना चाहते हैं तो आप कन्वेक्शन के बटन को प्रेस करें और अपना बेकिंग कर लें। बाकी इसकी वारंटी गारंटी की बात की जाए तो इसकी 2 साल की मुकम्मल हीट गन की वारंटी है, 1 साल की टच पैनल और बटन्स की वारंटी है। अगर खुदा ना खास्ता कोई स्पार्केज हो जाए या कोई ब्रेकेज हो जाए तो कंपनी आपको ये पूरा बटन्स और जो पैनल है ये अंदर वाला ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के देगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।